हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एम के हकला और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया के इस M1 माइक की। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं अनबॉक्सिंग करने पर हमें बॉक्स में मिलता है एक पाउच और इसके साथ ही एक ये रीडिंग मैनुअल। ये जो रीडिंग मैनुअल है ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है इसी प्रोडक्ट के बारे में, और जो पाउच है पाउच के अंदर भी हमें दो चीज़ें मिलती हैं। नंबर वन, ये एसेसरी का एक छोटा सा पाउच, इसके अंदर एक बैटरी है, एक कनेक्टर है और एक माइक का विंड कवर है, और इसके साथ ही हमें इसमें मिलता है ये हमारा माइक। ये माइक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है इसकी। इसकी वायर भी 20 फीट की है जो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है अगर हम कुछ लॉन्ग डिस्टेंस से शूट कर रहे हों। इसमें बैटरी इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, जैसे इसको रोटेट करें और जैसे ये कंपार्टमेंट इसके ओपन हो जाते हैं तो हम अपनी बैटरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे इंस्टॉल हो जाए इसको दोबारा से रोटेट कर इसको क्लोज कर सकते हैं। इसकी बैटरी बैकअप एटलीस्ट 5 to 6 मंथ की है, और ये माइक फोन्स, स्मार्टफोन्स और DSLR दोनों के साथ ही काम करता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है जिसका मैं आपको सैंपल आगे वीडियो में दे दूंगा। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये फ़ोन के डायरेक्ट माइक्रोफोन से आ रही है, और इससे पहले जितनी भी मेरी वॉइस थी इस वीडियो में वह बोया के माइक से ही ली गई थी। ऑलराइट गाइस, अब मैंने दोबारा बोया के माइक पर ही स्विच किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो और यह आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कीप सपोर्टिंग गाइस एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर More content like this. Thank you.